गाइस, आज के वीडियो में हम एक ऐसा नेचुरल पैक बनाएंगे जो आपको बरगंडी कलर देगा, वो भी बिना किसी पैसे को वेस्ट किए। हम मार्केट का बरगंडी कलर यूज़ नहीं करेंगे, हम आज घर पर कलर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे चुकंदर को लिया है, चुकंदर को पीस में कट कर लिया है। नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, एक ग्राइंडर लीजिए, उसमें इसका एक अच्छा सा जूस पैक रेडी करना है। और देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना रेडी कर लिया है जूस, और इसका कलर कितना रेड है आप देख सकते हैं। ये चुकंदर क्या होगा, जो हमारे जो बीट रूट है, हमारे बालों को नेचुरली रेड करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये कलर नेचुरल है, इसमें कोई भी बाहर से कोई बना हुआ केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। आप इसके बल्ब को एज अ फेस पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसे आप फेंके ना। मैं यहाँ पे इसका फेस पैक रेडी करके बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट आपको इसमें क्या करना है, फ्लैक्सीड ऐड करना है। फ्लैक्सीड क्या करता है, हमारे बालों को नरिश करता है, साथ ही एक नई शाइनिंग देता है। अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं तो उन्हें एक नई शाइनिंग लेके आएगा। तो अच्छे से आप इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिला लीजिए। ये दोनों ही चीज़ें हमारे बालों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, और आपकी जो बालों को मनचाहा कलर करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। अब आपको कोई भी बाहर के केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, जिससे क्या हो आपके बालों को कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। तो अब बंद करें वो सब बंद यूज़ करना, और इस रेमेडी को एक बार ज़रूर यूज़ करें। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसे आप गैस पे, आप इसे हल्की फ्लेम पर आपको इसे बॉइल करना है। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एक्चुअली क्या है कि मैं भी बरगंडी कलर करना चाहती थी अपने बालों में, बट जो बाहर के केमिकल्स हैं उन्हें यूज़ करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने घर पर ही ये बनाया और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो मैं सोचा इस रेमेडी को मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगे। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब ये अच्छे से आप रेडी हो जाए तो आप इसे छान लीजिए। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना रेड होता जा रहा है। काफ़ी इजी है, इसके लिए आपको कोई भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, और नेचुरल है, क्योंकि हम लड़कियों को अपने बालों से बहुत प्यार होता है, और अगर ये टूटते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपके बाल सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खूबसूरत भी लगें आप, तो इस रेमेडी को यूज़ करें और बाहर के केमिकल यूज़ करना बंद कर दें। तो मैंने यहाँ पर छान लिया है, मेरा जो पेस्ट था देख सकते हैं कितना बॉयल करके हाफ रह चुका है। तो आपको भी इतना थिक बनाना है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी आपको थिक रखना है। नेक्स्ट ये एक नेचुरल कलर होगा जो आपके बालों को नेचुरली कलर देगा, क्योंकि हमने इसमें चुकंदर ऐड किया। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, अगर किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी। तो हम इसमें नेक्स्ट ऐड कर रहे हैं निसार रेड मेहंदी। जी हाँ, ये मेहंदी नेचुरल है, कोई भी इसमें साइड इफेक्ट केमिकल्स यूज़ नहीं किए गए हैं। मैंने यहाँ पर एक पूरा पैकेट इसमें ऐड किया है। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप इसमें दो पैकेट भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक पैकेट यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं इसे मिक्स कर लें, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, और थोड़ी देर के जब ये मिक्स हो जाए तो आप सेट होने के लिए कम से कम एक डेढ़ घंटे के लिए रख दें, ताकि अपना और मॉइस्चर छोड़ दे और अच्छे से कलर इसमें आने लगे। तो अब ये पैक रेडी हो चुका है बनाने के लिए, लगाने के लिए। तो आप अपने हेयर में आप कॉम अच्छे से कर लें, और अच्छे से आपने इसको फेंट लें, ताकि इसमें कोई भी गुलटी इसमें ना रहे।
डेढ़ घंटे रखने के बाद ये पैक पूरी तरह से रेडी हो गया है अप्लाई करने के लिए हमारे बालों में। तो आपको इसे कुछ नहीं करना है, आपको इसे डायरेक्ट अप्लाई करना है, अपने बालों में कॉम कर लें और किसी ब्रश की सहायता से या तो अपने हाथों से आप इसे लगा सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मैंने यहाँ पर अपने बालों में लगाया है, आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी रेड दिख रहा है। जब ये वॉश करेंगे तो इसका कलर बहुत ही अच्छा खिल के आएगा। मैं ज़्यादातर इसमें यही कलर यूज़ करती हूँ, मुझे एक कलर पसंद है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।